को ऑन करते हैं। अब आप हेडिंग लगाओ भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फोर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फटाफट लगा दो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे ओक्टाहेड्रल था वही इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वो हमने कवर कर लिया। टेट्राहेड्रल हमारे यहाँ सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है टेट्राहेड्रल का, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग का पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ, और वो क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि टेट्राहेड्रल के जो बॉन्ड होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में आते हैं मेटल के चारों तरफ, ये टेट्राहेड्रल की डायरेक्शन है कि नहीं है जरा बताना। लिगेंड इन डायरेक्शन में आएंगे ना, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तभी ना बॉन्ड बनेगा, तभी ना कॉम्प्लेक्स बनेगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे लिगेंड, तभी होगा। अब मुझे ये बताओ, इन एक्सेस पे कोई लोब्स होती है क्या कोई भी ऑर्बिटल की? जो आपके दो टाइप के ऑर्बिटल है ना, एक तो जिनकी लोब्स एक्सेस पे होती है, एक जिनकी लोब्स एक्सेस के ऊपर नहीं होती है, इन बिटवीन द एक्सेस होती है, बताओ इनके पास में कौन पड़ेगा क्लोज? समझ में आ गया आपको? हम स्प्लिटिंग पैटर्न की बात करने वाले हैं कि उसमें हमने देखा T2G ऊपर चले गए थे और T2G नीचे हो गए थे, EZ ऊपर हो गए थे। यहां हम देखने वाले हैं कि यहां क्या होगा, किसके साथ ज्यादा रिपल्शन होगा, जिसके साथ ज्यादा रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके साथ कम रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी कम इंक्रीज हो जाएगी। यहां क्या इक्वेशन है बता दो फटाफट, आपको यदि पता चला हो तो। नहीं है आइडिया कुछ? तो हमारा टॉपिक क्या है, क्रिस्टल यस, कोई बात नहीं, हम उसको करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मिल गया है हमें फिगर भी, मिल गया है कॉपी इमेज, और ये सीधा गए हम वहां पर। ये लो भाई, जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, आप सोच रहे थे कहाँ होगा सर कहाँ होगा, वो यहाँ है, ये लो, इसको कर लेते हैं बड़ा। अब आपको ये फिगर एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। अब इस फिगर में समझ लो जरा, मेटल सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में मेटल है आपका। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ब्लैक में ब्लैक मिक्स ना हो। यस, मेटल आपका सेंटर में है। अब सेंटर में ये जो आपने सॉलिड स्टेट में देखा होगा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, बेसिकली उसके जो वैलेंसीज होते हैं वो एक स्क्वेयर के ऑपोजिट वैलेंसीज को मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ देखो, एक लिगेंड इस डायरेक्शन से आएगा, एक लिगेंड इस डायरेक्शन से आएगा, एक लिगेंड वो पीछे वाली डायरेक्शन है उससे आएगा, और एक लिगेंड इस डायरेक्शन से आएगा, है ना, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं, ये हमें ये देखना होगा कि इन लिगेंड के डायरेक्शन में कोई ऑर्बिटल आ रहा है क्या। तो हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस तो ये है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। इसका मतलब जो आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल थे, ये तो लिगेंड के सामने नहीं आ रहे हैं, यानी कि इनसे डायरेक्ट रिपल्सन नहीं हो रहा है। बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसी तरह से जो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जिनके जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सेस हैं, वो भी डायरेक्टली रिपेल नहीं हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट डायरेक्टली रिपेल्ड बाई द लिगेंड, यानी कि लिगेंड जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में ये दोनों ही ऑर्बिटल नहीं पड़ रहे। बात समझ में आ गई, है ना। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो जो ऑर्बिटल मोर क्लोजर होगा लिगेंड की अप्रोच के, मोर क्लोजर होगा उसके साथ रिपल्सन ज्यादा होगा। जो थोड़ा सा लिगेंड के जो जिस डायरेक्शन में लिगेंड आ रहा है उसके रास्ते के से जो थोड़ा सा दूर है उससे रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा। जो इनके क्लोजर है
उससे रिपल्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर फैक्ट ये है कि ये जो टेट्राहेड्रल डायरेक्शंस हैं, टेट्राहेड्रल में फोर डायरेक्शंस हैं जिनमें लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, उसके रास्ते में ये जो ऑर्बिटल्स हैं जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं, ये ऑर्बिटल्स उस उन डायरेक्शंस के क्लोजर होते हैं। बिल्कुल सामने तो ये भी नहीं होते, उसी डायरेक्शन में ये भी नहीं होते, लेकिन दे आर मोर क्लोजर, दीज ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर देन दीज ऑर्बिटल, ओके, देन दीज ऑर्बिटल टुवर्ड्स द अप्रोचिंग लिगेंड। अप्रोचिंग जो लिगेंड है ना, उनके मोर क्लोजर ये वाले ऑर्बिटल पड़ते हैं। तो मुझे बताओ ज्यादा रिपल्सन किससे होगा, आपके टी टू जी से होगा या ई जी से होगा, मुझे ये बता दो बस। ज्यादा रिपल्सन किससे होगा बताओ, तभी स्प्लिटिंग। यस, टी टू जी से ही होगा। ये जो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, ये लिगेंड का जो रास्ता है ना, जो डायरेक्शन है ना, लिगेंड जिस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है मेटल को, उसके मोर क्लोजर है ये। आप इसका 3D बनाओगे ना, तो ये इनके जो लोब्स हैं, दे आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स द अप्रोचिंग लिगेंड देन द इजी ऑर्बिटल्स, राइट। इसका मतलब अब यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा टी टू जी ऑर्बिटल, इसका मतलब एवरेज एनर्जी लेवल के ऊपर कौन होगा बता दो, अब आपको पकड़ में आ गया होगा, एवरेज एनर्जी लेवल के ऊपर कौन होगा यदि हम लोग डायग्राम बनाए तो, टी टू जी एवरेज एनर्जी लेवल के ऊपर होगा। और अब आपको पता चल गया स्प्लिटिंग का पैटर्न यहाँ पर चेंज हो गया है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग का पैटर्न अलग होता है, ऑक्टाहेड्रल के बिल्कुल रिवर्स होता है। मैं फटाफट आपको डायग्राम बना रहा हूं, आप भी उसको एज इट इज बना लीजिए, है ना। सबसे पहले तो हम लेते हैं, ये देखिए, ये मैंने 5D ऑर्बिटल्स बना दिए, इस बार इस पैटर्न में बना रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न में बना रहे हैं। ये आपका एनर्जी है, इधर से इधर जा रहा है, 5D ऑर्बिटल आपके हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका एवरेज एनर्जी लेवल बनाते हैं, आप भी मेरे साथ ये डायग्राम बनाते जाओ। ये लो, ये 5D ऑर्बिटल, ये इनका एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल है, बैरिसेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बैरिसेंटर को थोड़ा सा ऊपर और बनाते हैं, काम आएगा हमारे, ये लो 1 2 3 4 5, ओके। अब क्या होगा, अब हमें ये जो एवरेज एनर्जी लेवल है इसके रेस्पेक्ट में हमें जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है वो दिखाना है। और वो कैसे दिखाएंगे, हम कर लेते हैं कलर चेंज, यस, ओके। अब आप देखो भाई, ये तो आपका एवरेज एनर्जी लेवल आ गया, ठीक है। अब आप क्या बनाओगे बता दो जरा, एक तो ये लो, ये आपने ड्रॉ किया, और ये आपके 3 ऑर्बिटल, कौन से, T2G वाले, लेकिन अब आप लिखेंगे नहीं T2G, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है, इनका नोमेनक्लेचर अलग है। वहां मैंने T2G और EG सिर्फ इसलिए यूज किया था ताकि आपको डिफरेंशिएशन हो दोनों ग्रुप्स में। एक आपका ये ग्रुप है, ये 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। या तो आप इनको ऐसे ड्रॉ कर लो, और ऐसे आपने ड्रॉ नहीं किया है तो आप इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ताकि आपको हमेशा के लिए रिकॉल रहे कि अब इस बार 3 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। बात समझ में आ गई, स्प्लिटिंग पैटर्न रिवर्स हो चुका है, समझ लो। और अब सुन लो मेरी बात, ये जो डिफरेंस है वो, ये वहां क्या था बताना जरा, क्या था वहां पर, डेल्टा ओ बताओ, बोलो भी, यस सर, डेल्टा ओ था ना, यहाँ पर ये डेल्टा क्या होगा बताओ, क्या होगा, डेल्टा तो वही है, डेल्टा क्या होगा बताओ जरा, ये डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा ओ का मतलब क्या था सर, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी होगा, वहां ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो ये डेल्टा टी। अब मुझे ये बता दो, ये जो ऊपर 3 ग्रुप है उनको आपने, उनको वहां T2G लिखा था क्या, बता दो जरा, T2G लिखा था, टेट्राहेड्रल में इनका नोमेनक्लेचर चेंज हो चुका है, ये सिर्फ T2 है, जी हट गया है, सुन लो अच्छी तरह से, अब इनको टेट्राहेड्रल में T2G और EG मत कर देना, इनको सिर्फ T2 बोलते हैं और इनको सिर्फ ई बोलते हैं, ये ई ऑर्बिटल्स हैं आपके, ठीक है। ई ऑर्बिटल्स कौन से हैं, dx² - y² and dz² लिख लो भाई, लिखते जाओ साथ साथ में, dxy, dxz और dyz, ये लो, हो गया, आपको डिफरेंस पता चल गया कहां कहां क्या क्या हुआ। अब मुझे एक चीज आपको याद आ गई होगी कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन से, आपके ई ऑर्बिटल वहां कितना ऊपर थे एवरेज एनर्जी लेवल से, बताओ जरा, एवरेज एनर्जी लेवल से कितना ऊपर थे, वहां एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर थे ना, ये कितना थे बताओ सर, 3/5,
यस, यहां भी उतना ही है बेचारे, चेंज नहीं हुए, लेकिन वहां 3/5 डेल्टा ओ था, यहाँ 3/5 डेल्टा टी हो गया, यानी कि डेल्टा टी तो टोटल डिफरेंस है उसका 3/5, और वो जो आपके टी टू जी थे वहां पर कितना नीचे थे, ये थे वहां पर बताना जरा 2/5, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2/5 ऊपर चले गए हैं, लेकिन वो 2/5 ऑफ डेल्टा टी, तो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड है 2/5, 3/5 ये सेम है, ये सेम है, ये आपको ध्यान रखना है कि एवरेज एनर्जी लेवल से वहां पर ये जितना ऊपर थे है ना, अभी उतना ही ये एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे आ गए हैं, यानी कि एवरेज एनर्जी लेवल से उनकी एनर्जी अभी उतनी ही कम है जितनी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल से जितनी ज्यादा थी, ठीक है, इसको भी मार्क कर लो, ये आपका एवरेज एनर्जी लेवल हो गया। तो आपने चेक किया क्या है ये जो आपका स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है ये बिल्कुल रिवर्स है टेट्राहेड्रल फील्ड में, उसका रीजन क्या है, रीजन हमने यहां डिस्कस किया है, मैं वापस बता देता हूं, रीजन ये है कि जिस डायरेक्शन में लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं उस डायरेक्शन के क्लोजर आपके dxy, dyz और dxz ऑर्बिटल्स हैं, जिनको टेट्राहेड्रल में e ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ये उस रास्ते में पड़ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल आमने सामने तो ये भी नहीं है लेकिन उस डायरेक्शन के मोर क्लोजर हैं, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए इनके साथ रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, ज्यादा इंक्रीज हो गई, ये जो आपके ये मैंने गलत लिखा है, आपने भी नहीं बताया, ये T2 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो आपके E ऑर्बिटल हैं, ये दे आर नॉट क्लोजर इन कंपैरिजन टू द T2 ऑर्बिटल्स, ये जो आपके E ऑर्बिटल हैं ये, इसलिए इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं हुई, इनकी एनर्जी इंक्रीज तो हुई लेकिन कम हुई, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई, ये डायरेक्शन यहाँ पर है, ये स्प्लिटिंग का पैटर्न, अब आपको सारा डायग्राम एकदम क्लियर है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, लिख लो भाई, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड हो गया, ठीक है, ये फ्री मेटल आयन है, ये एवरेज एनर्जी लेवल है, ये आप जानते ही हैं, ये आपका फ्री मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन, ठीक है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल है ये, डीजनरेटेड वही आएगी सारा टर्म, degenerated 5d orbital, ठीक है, तो ये कहानी है, देखो है ना, रिवर्स हो गया, बिल्कुल पैटर्न एकदम रिवर्स हो गया, ठीक है, T2 और E G हट गया है ना, G का मतलब जीरेड होता है, अब ये आपसे कंसर्न नहीं है ये चीजें, इसलिए हम इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि अब इनको T2 बोलते हैं और E G को E बोलते हैं, T2G को T बोलते हैं, और स्प्लिटिंग का पैटर्न ऑपोजिट है। अब आपके सामने है एक लैंग्वेज, आप इस लैंग्वेज को जरा पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे बाद में जब मैं PDF भेजूंगा, अभी पढ़ लो इसको, देख लो जरा क्या लिखा हुआ है, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द थ्री कौन से ऑर्बिटल है, T2 The three T2 orbitals are close to the direction of approaching ligands. Approaching ligand की direction के close है कौन? 3T2 orbital. As a result, the T2 orbitals suffer more repulsion than E orbitals. Right? Therefore, energy of T2 orbital increases more than that of E orbitals. इतना समझ में आया आपको? बताना जरा. बताओ भाई, वापस पढ़ूं? एक बार वापस देखो, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो 3T2 ऑर्बिटल्स हैं, दे आर क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड, दे आर क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ, एज ए रिजल्ट T2 ऑर्बिटल सफर मोर रिपल्सन देन E ऑर्बिटल, दे आर क्लोजर कर सकते हैं इसको, है ना, दे आर मोर क्लोजर, क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, more closer to the direction of approaching ligand, as a result T2 orbital suffer more repulsion than E orbital, therefore energy किसकी ज्यादा increase हो गई, बताना जरा, T2 की या E की? T2 की, ठीक है, very good, अब ये next sentence और पढ़ लो, in tetrahedral complexes d orbital splitting is inverted, सही बात है ना, inverted हो गई ना, जो तीन ऑर्बिटल पहले ऊपर थे और सॉरी नीचे थे ऑक्टाहेड्रल में, वो ऊपर चले गए, और जो दो ऑर्बिटल जिनको हम इजी बोल रहे थे वो पहले एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर थे, अब वो नीचे आ गए, ये हमने क्या किया, हाँ बात समझ में आएगी कि नहीं आई आपको,
एंड इज स्मॉलर एज, ये लाइन बड़ी डेंजरस है, एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये लो भाई, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है डेल्टा टी की जो स्प्लिटिंग होती है वो हमेशा ही डेल्टा ओ से कम होती है। यानी कि सेम मेटल ले लो, सेम लिगेंड ले लो, लेकिन यदि एक ऑक्टाहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमेशा ही कम होती है। डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड हमेशा ही डेल्टा ओ से क्या होता है, जरा बताना, कम होता है। कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में डायरेक्ट रिपल्शन किसी भी ऑर्बिटल से नहीं हो रहा, मेटल का और लिगेंड का डायरेक्ट रिपल्शन किसी भी ऑर्बिटल का साथ नहीं हो रहा, ठीक है, वहां डायरेक्ट ओके। तो इसलिए हमेशा ही जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू किससे कम होती है, डेल्टा ओ से कम होती है। ये तो हुआ एक। अब कम बोल के कितना इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी देख लो जरा, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सामने आ रहा है, जो डेल्टा टी होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है, डेल्टा ओ के 4/9 के इक्वल होते हैं, है ना। इसका मतलब, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो ही गया, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लिख लो आप लोग फटाफट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो आपका डेल्टा टी है, डेल्टा टी है ये हमेशा ही पेयरिंग एनर्जी से कम है। अब बताओ पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, जरा बताना, पेयरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ फटाफट। पेयरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरा बताओ। पेयरिंग एनर्जी से कम रहती है डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी में स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती, डायरेक्ट रिपल्शन नहीं है, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो रही, सीएफएसई कम है, सीएफएसई कम है तो पेयरिंग एनर्जी से कम है सीएफएसई, तो पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ। नहीं होगी सर। नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होंगे, हाई स्पिन या लो स्पिन, बताओ। हाई स्पिन होंगे, हैंस नो पेयरिंग लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली, हैंस ये भी लिख सकते हैं हम लोग, दैट्स वाई, लिख लो भाई आप लोग, दैट्स वाई मोस्टली, या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिख लो फटाफट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्टली, लिख लो मोस्टली क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये लो भाई, इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। एंड ये आपका लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। ये लो, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई मोस्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज लो स्पिन बनने के लिए क्या चाहिए, आपका सीएफएसई ज्यादा होनी चाहिए पेयरिंग एनर्जी से, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, है ना, ऑलवेज द सीएफएसई डेल्टा टी इज ऑलवेज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट्स व्हाई नो पेयरिंग अकर्स, एंड व्हेन नो पेयरिंग अकर्स द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मोस्टली जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बेचारे क्यों हमेशा ही क्यों हाई स्पिन होते हैं, कभी लो स्पिन क्यों नहीं होते, ठीक है। तो ये आपने लिखा, ये इसके साथ ही टेट्राहेड्रल का जो पॉइंट था वो हो गया पूरा, ठीक है। अब यस, अब हम लोग जा रहे हैं कलर का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार के लिए